भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑन क्रिकेट मैच पर। आज हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की कहानी। दो दिन का खेल पूरा हो चुका है और न्यूजीलैंड ने इस मैच में शानदार बढ़त बना ली है। भारत की पहली पारी सिर्फ 46 रन पर सिमट गई, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ है और भारत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक की बात है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के तेज गेंद पास मैट हैरी ने सिर्फ 15 रन देकर 5 विकेट चटकाए और भारत की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया पूरी तरीके। भारत के टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान जैसे प्रमुख बल्लेबाज मात्र 10 रन के अंदर ही पवेलियन लौट गए। भारत के लिए सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने 13 रन और ऋषभ पंत 20 रन की दहाई का आंकड़ा छू पाए। न्यूजीलैंड की पहली पारी की बात करें तो दूसरे दिन के खेल के अंत तक न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए हैं। रचिंद्र रविन 22 रन बनाकर खेल रहे हैं, डेरिन मिचेल 14 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। दोस्तों, दोनों मिलकर न्यूजीलैंड की बढ़त को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत की पहली पारी मात्र 46 रन पर सिमट गई है। मैट हैरी ने 5 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा झटका दिया है। न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे 91 रन बनाकर आउट हुए, जो शतक से मात्र 9 रन से चूक गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 134 रनों की बढ़त बना ली है। भारत के लिए अब अगली पारी में मजबूती से वापसी करना बेहद जरूरी है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने खेल को पूरी तरीके से अपने पक्ष में कर लिया है। अब देखना होगा कि भारत तीसरे दिन कैसे वापसी कर पाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल गेम ऑन क्रिकेट मैच के साथ। मिलेंगे आपको अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।